आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक एनओ यूज़ किया हुआ है, एक मैंने एनसी यूज़ किया हुआ है, एंड देन एक कोयल यूज़ की हुई है। ये तीनों मैंने यूज़ करके मैं एक प्रोग्राम रेडी किया हुआ है। ये स्टार्ट पुश बटन है, जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, देन जो पाथ होगा, जो करंट का पाथ होगा, वो क्लोज हो जाएगा, एंड देन मेरी मोटर को जो करंट है वो पास हो जाएगा और मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए मैं इसको सिमुलेशन में रन करता हूँ, देन इसके लिए मुझे सिमुलेशन में जाके वर्क ऑनलाइन सिमुलेटर पे क्लिक करता हूँ। देन आप देखेंगे कि मेरा जो सिमुलेशन मोड है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। देन जब मैं इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने से पहले आप चेक करेंगे कि यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में जीरो एरर है, कोई जीरो वार्निंग दिया हुआ है। देन अगर मेरे को मोटर स्टार्ट करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं डबल क्लिक करूँगा, मैं इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जीरो और वन है, जीरो चैनल है। मैं इसके लिए को या तो जीरो कर सकता हूँ या वन कर सकता हूँ। मैं इसको वन करता हूँ बिकॉज़ यहाँ पर ऑलरेडी इसकी वैल्यू जीरो है। आप यहाँ पर एड्रेस में चेक कर सकते हैं, बिकॉज बुलियन टाइप है, बुलियन टाइप जीरो और वन होता है। मैंने जैसे ही सेट किया, मेरा ये कंप्लीट क्लोज पाथ हो गया, एंड देन जो करंट है वो मोटर तक या लोड तक पास हो गया और मेरी मोटर रन हो गई है। मैं अगर इस एड्रेस के ऊपर एक मोटर को अटैच कर देता हूँ, इस एड्रेस के ऊपर एक स्टॉप बटन यूज़ कर लेता हूँ, इस पे स्टार्ट बटन यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं पीएलसी के थ्रू हार्डवेयर के अंदर भी मे बी जो भी मेरे को साइट पे रियल, ये एक्चुअली सिमुलेशन में आपको बता रहा हूँ, आप रियल में भी यहाँ से एक मोटर स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। अभी मैं इस मोटर को स्टॉप करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी वैल्यूज़ को, बिकॉज ये ऑलवेज जीरो होता है, मैं इसकी वैल्यू को वन कर देता हूँ। अब देखेंगे जैसे स्टॉप बटन मैंने प्रेस किया, मेरी मोटर ऑफ हो गई है। मेरी मोटर बिकॉज ये एक पाथ होता है, जैसे ही पाथ ब्रेक हो जाएगा, देन जो करंट है वो नेक्स्ट स्टेज में पास नहीं करेगा और आपका वहाँ पर पाथ ब्रेक होने की वजह से मोटर स्टॉप हो जाएगी। मैं इसकी वैल्यूज़ को ऑलरेडी जीरो कर देता हूँ, एंड देन इसकी वैल्यूज़ को भी जीरो कर देता हूँ। अब मैं आपको अगेन एक बार इसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू वन करता हूँ, देन आपकी मोटर रन हो जाती है, और ये तब तक रन नहीं जाएगी जब तक मैं इसको प्रेस करके रखूँगा। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को जीरो कर दूंगा यहाँ से भी, तो भी ये मोटर स्टॉप हो जाएगी। इट मीन्स ये जो मेरा प्रोग्राम बना है, ये प्रेस टू स्टार्ट प्रेस टू स्टॉप का बना है। इसके अंदर मैं फर्दर और भी प्रोग्राम आपको सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।